स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम सैमसंग टीवी में हॉरिजॉन्टल लाइन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इस टीवी में लोकल किट डाली हुई है। दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल लाइन वाला फॉल्ट हमारे वर्टिकल सेक्शन में होता है। तो दोस्तों इस फॉल्ट को कैसे रिमूव करते हैं इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने टीवी को खोल लेना है। खोल लेने के बाद इसमें लगी डस्ट को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद दोस्तों आपने इस किट के वर्टिकल सेक्शन को ध्यान से देखना है कि इस सेक्शन में कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। अगर आपको कोई कंपोनेंट खराब दिखाई देता है तो सबसे पहले आप उस कंपोनेंट को चेंज कर देख लें। तो दोस्तों ध्यान से देखने पर मुझे इस किट में 1025 वोल्ट का कैपेसिटर का ऊपरी हिस्सा फूला हुआ है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेंज कर देख लूँगा और फिर टीवी को चला कर देखूँगा।
वाई फिल्टर चेंज करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम ठीक उसी तरह है जैसे पहले थी। अब दोस्तों हम इस टीवी की किट में डिजिटल मीटर की सहायता से आईसी को जाने वाली वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों हमें अपने डिजिटल मीटर की सुई को 200 वोल्ट डीसी वाले ऑप्शन पर लाकर रोक देना है। इसके बाद दोस्तों हम मीटर की ब्लैक स्ट्रोब को ग्राउंड कर वर्टिकल वाले वोल्टेज को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों डायोड के इनपुट पर तो वोल्टेज हैं लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज शो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इस कंडीशन में हमारा आईसी खराब हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारे आईसी के वोल्टेज ड्रॉप है। तो दोस्तों हमने डीसोल्डर की सहायता से इस आईसी को निकाल लेना है और इस आईसी की जगह एक नया आईसी लगा देना है। दोस्तों जब भी हम आईसी बदलते हैं तो हमें उसके साथ 100 UF 35 वोल्ट वाला कैपेसिटर भी चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमने नया आईसी लगा दिया है और इस नए आईसी को सोल्डर कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों हमें अपनी पीसीबी को थिनर की सहायता से क्लीन कर देना है। तो दोस्तों ये तीनों कंपोनेंट हमने चेंज कर दिए हैं और अब हम अपनी टीवी को ऑन कर देखेंगे।
दोस्तों टीवी को पावर प्लग कर हमें अपने इस टीवी को स्टैंड बाई मोड से पैनल से की प्रेस कर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी टीवी से हॉरिजॉन्टल लाइन वाला होल्ड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।